हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोटली नए सब्जेक्ट के बारे में जो कि है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आप एमएससी नर्सिंग या पीएचडी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नर्सिंग रिसर्च का पहला टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नर्सिंग रिसर्च का वो पहला स्टेप है जिसमें कि एक रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि हमें किस एरिया में अपनी रिसर्च को कैरी आउट करना है। अगर हम देखते हैं रिसर्च की डेफिनेशन यानी परिभाषा, तो नाम ही से हमें पता चलता है कि रिसर्च यानी बार बार किसी चीज को सर्च करना, लेकिन साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से। तो रिसर्च चीजों को फिर से करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। रिसर्च जो है वो हमें वैलिडेट करने में आसानी देता है कि हमें किस एरिया में आगे बढ़ना है, और एक नए ज्ञान को यानी हमारी न्यू नॉलेज को अपडेट करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्च की क्या जरूरत है? कई ज्यादा जरूरत है हमें इस प्रोफेशन में, ताकि हम अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने नर्सिंग प्रोसीजर्स को काफी तरीके से अपडेट करके रख सकें। इसी तरह हम अपने पेशेंट्स को क्वालिटी केयर दे सकें, इसके लिए भी हमें नर्सिंग रिसर्च की बहुत ही जरूरत है। और अपने साइंटिफिक एटीट्यूड और एक अच्छा नॉलेज बेस बनाने के लिए भी हमें रिसर्च की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार जो इंसान या जो व्यक्ति नर्सिंग रिसर्च को कैरी आउट करता है, उसे हम कहते हैं नर्स साइंटिस्ट या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। अब बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नाम से ही आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे एरिया ऑफ प्रैक्टिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें एक अच्छा रिजल्ट या आउटकम निकालने की जरूरत है। तो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट चिंता का एक क्षेत्र है जहां नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए आवश्यक ज्ञान की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एरा को देखें, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम दो पेशेंट्स के बीच की बेड स्पेसिंग अगर 3-4 feet रखते हैं, तो दोनों पेशेंट का क्रॉस इन्फेक्शन से बचाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काफी सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने स्किल्स को हम अपग्रेड कर सकें, ताकि एक उससे अच्छा बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को मिल सके। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या कहता है कि किसी विशेष आबादी के लिए चिंता के क्षेत्र की पहचान करता है। तो आप किस एरिया में अपना रिसर्च करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेरियाट्रिक की तरफ जाना चाहते हैं या पीडियाट्रिक यानी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले एक रिसर्चर को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस एरिया में अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। इसी समस्या के महत्व को दर्शाता है। यानी अगर आपके हॉस्पिटल वार्ड में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आईवी कैनुला लगाने के बाद जो स्वेलिंग पेशेंट्स के हाथों में आ जाती है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो कोई ना कोई समस्या है हमारे प्रैक्टिस में जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, उसको सॉल्व करना है हमें थ्रू आर रिसर्च बैकग्राउंड। इसी तरह एक समस्या के लिए एक बैकग्राउंड प्रदान करता है। तो जब हम रिसर्च देखते हैं और औरों की रिसर्च से पढ़ते हैं, तो हमें एक बेस मिलता है कि हमें कैसे अपनी रिसर्च को कैरी आउट करना है। और लास्टली, समस्या विवरण में अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता को आउटलाइन करता है। जब हम किसी के रिसर्च को पढ़ते हैं, तो उस रिसर्च से हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं कि उस रिसर्च को हम आगे कैसे कैरी आउट करें, ताकि हमारा रिसर्च भी फ्रूटफुल हो। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब एक इन्वेस्टिगेटर लिखता है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए, यानी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहला है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओरिजिनल और क्रिएटिव होना चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम लेकर आते हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हाँ, एरिया ऑफ कंसर्न है, इस पर रिसर्च की जा सकती है। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना तो सामान्य और ना ही विशिष्ट हो, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत ही लिमिटेड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो और उसका कोई आउटकम या रिजल्ट ना मिल पाए। तीसरा है महत्व, यानी सिग्निफिकेंस रखता हो।
कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको एरियाज अपने निकाल के लाना है जो कि हाँ एरिया ऑफ कंसर्न है, इम्पॉर्टेंट है और उस पर हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सॉल्वेबिलिटी, यानी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका आखिरी में आपको रिजल्ट मिल सके। ऐसा ना हो कि आप बीच में फंस जाएं और आपका रिसर्च पूरा फुलफिल ना हो, इसलिए परिणाम सामने आना चाहिए आपके रिसर्च का। फिर पांचवा आता है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मतलब आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिन पेशेंट्स पे करना चाहते हैं, वो पेशेंट की पॉपुलेशन आपको मिलनी चाहिए, आपको डेटा मिलना चाहिए पेशेंट से, टाइम होना चाहिए, मनी मैटर, सब कुछ एकदम फीजिबल हो ताकि आपका रिसर्च स्मूथली कैरी आउट हो सके। और लास्ट है दिलचस्प, यानी इंटरेस्टिंग। आपका रिसर्च आपके लिए प्लस कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा और लोगों तक ज्ञान पहुंचाएगा और आपकी प्रैक्टिस से, आपके रिसर्च से हमारे हॉस्पिटल प्रैक्टिस में काफी सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें चार चीजें जरूर आनी चाहिए। वो क्या क्या है? पहला है संबंधित क्षेत्र, यानी कंसर्न्ड एरिया। तो आप किस एरिया में अपनी रिसर्च करना चाहते हैं? आप मेडिकल सर्जिकल लेना चाहते हैं, आप गाइनी लेना चाहते हैं, आप पीडियाट्रिक में करना चाहते हैं, तो वो आपका एरिया डिफाइन होना चाहिए। फिर आता है वेरिएबल, यानी हिंदी में हम उसे चर कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि किस फैक्टर्स पे आप अपनी रिसर्च को करना चाहते हैं। फिर आता है सैंपल या पॉपुलेशन, यानी नमूना या जनसंख्या, मतलब किस पे आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पीडियाट्रिक पॉपुलेशन 1 to 3 years पे करना चाहते हैं, आप न्यूबॉर्न पे करना चाहते हैं, आप एंटीनेटल मदर्स पे अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये एरिया या आपका सैंपल डिफाइन करता है कि आप किस किन लोगों पे अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। और लास्टली है सेटिंग या स्थापना। सेटिंग मतलब जगह, किस प्लेस पर आप अपनी रिसर्च को करना चाहते हैं। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये चारों फैक्टर्स आने बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई व्यक्ति या वस्तु की विशेषता है जो अध्ययन किए जा रहे व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच भिन्न होती है, और ये दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये होता है प्रभाव या इफेक्ट डालता है। तो ये वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये होता है कारण या कॉज, या ये चर वो है जो आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने वाला माना जाता है। तो ये इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम एग्जाम्पल से सीख पाएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एक चयनित अस्पताल में बाल चिकित्सा वार्ड में भर्ती बच्चों के चिंता स्तर यानी एंजाइटी लेवल पर प्ले थेरेपी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन। तो हम देखें अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो हमें इसमें चारों चीजें आनी चाहिए हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जो कि ये पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर देखें तो वो है हमारा एंजाइटी लेवल यानी चिंता का स्तर। एंजाइटी लेवल हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कॉज है, ठीक है। इसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है प्ले थेरेपी। तो एंजाइटी लेवल हमें बच्चों का कम करना है किससे? प्ले थेरेपी के सहारे से। तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंजाइटी लेवल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्ले थेरेपी। नमूना यानी सैंपल कौन है हमारे? वो है बच्चे। और सेटिंग क्या है यानी कि जगह क्या है? वो है अस्पताल में बाल चिकित्सा वार्ड। तो इस तरीके से आप देखिए तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है, क्योंकि इसमें चारों क्राइटेरिया आ रहे हैं जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंप्लीट बनाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, एक चयनित अस्पताल में इंट्रावीनस इन्फ्यूजन थेरेपी प्राप्त करने वाले अडल्ट पेशेंट्स में लोकल कॉम्प्लिकेशन से जुड़े फैक्टर्स की पहचान करने के लिए एक अध्ययन, यानी एक स्टडी ऐसी है जिसमें एक अस्पताल में जितने भी अडल्ट पेशेंट्स को आईवी कैनुला लगा है और उनमें आईवी फ्लूइड्स चढ़ाए जा रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन थेरेपी से जो लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उससे फैक्टर्स से जुड़े हुई ये एक स्टडी है। तो इसमें फिर से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लोकल कॉम्प्लिकेशंस। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आईवी इन्फ्यूजन थेरेपी।
हमारा सैंपल कौन है? वो है एडल्ट पेशेंट्स, और सेटिंग क्या है? एक चयनित अस्पताल जो आपने अपने स्टडी के लिए चूज किया है। तो इस तरीके से आप देखिए तो फिर से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि इसमें वो चारों फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमने पहले से डिसाइड करे हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन चार क्राइटेरिया से फुलफिल होना चाहिए। तो ये बात थी हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आइए अब हम सीखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैरीज आउट रिसर्च इज नोन एज ए प्रोफेशनल, बी डॉक्टर, सी प्रिंसिपल एंड डी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो पर्सन रिसर्च को कैरी आउट करता है या कंडक्ट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो आंसर इज डी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या नर्स साइंटिस्ट। नंबर टू है, द स्टडी पॉपुलेशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट। तो पॉपुलेशन हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? ए प्रोग्राम, बी प्रॉब्लम, सी पीपल, डी फिनोमिनन। तो हमने अभी बात करी थी कि पॉपुलेशन या सैंपल किसको डिफाइन करता है? हमारे पीपल को। तो आंसर है इसका सी, पीपल। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट हेल्प्स व्हेन डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन? ए अ बिग बजट, बी फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सी स्पेसिफिक गाइडलाइंस इन द बुक और डी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया। तो आपको पता है कि रिसर्च कैरी आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत है? अच्छे नॉलेज की, ताकि हम अपने रिसर्च को कैरी आउट कर सकें। तो आंसर इज डी, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया। एमसीक्यू फोर, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ ए रिपीटेड सर्च फॉर फैक्ट्स, बी सर्च फॉर अ प्रॉब्लम, सी कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, डी प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन अ प्रॉब्लम। तो नाम से ही पता चलता है हमें रिसर्च, बार बार सर्च करना। तो आंसर इज ए, रिपीटेड सर्च फॉर फैक्ट्स। एमसीक्यू नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फुलफिल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्राइटेरिया? इनमें से कौन सा चीज, कौन सा क्राइटेरिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं डिफाइन करता है? ए सेटिंग, बी वेरिएबल्स, सी सैंपल एंड डी टाइम। तो हमने देखा है चार क्राइटेरिया होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए, और इनमें से कौन सा नहीं है? वो है टाइम। तो आंसर इज डी, टाइम। सो थैंक यू फ्रेंड्स आज इस टॉपिक को पेशेंटली सुनने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एक सिंपल सा स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपको एक एक्चुअल प्रॉब्लम लेकर आना है अपने ही प्रैक्टिस से, ताकि उस रिसर्च को आप कैरी आउट कर सकें और एक फ्रूटफुल आउटकम अपनी कम्युनिटी को दे सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।